क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के एंड बी वेक्टर i माइनस 4j प्लस 2k, देन फाइंड ए प्लस बी का क्रॉस ए माइनस बी के साथ में. मींस व्हाट, इन दोनों के बीच का मुझे क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी फाइंड करेंगे और ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट विद गिवन ईयर. हमारे पास क्या दिया हुआ यहाँ पे, ए वेक्टर इज गिवेन 2i प्लस 3j माइनस के. व्हाट इज बी वेक्टर हियर, बी वेक्टर इज आर माइनस 4j प्लस 2k. इनके बीच का क्रॉस फाइंड करना है तो पहले हम यहाँ पे a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं. सो देयर फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू, व्हाट इज ए हियर, 2i प्लस 3j माइनस के प्लस बी. व्हाट इज बी, i माइनस 4j प्लस 2k. ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया, अगर उसको प्लस करता हूं मैं तो 2 प्लस 1 इज व्हाट, 3i, दिस इज 3j, दिस इज माइनस 4j विल बी माइनस j, दिस इज माइनस k, दिस इज प्लस 2k. सो माइनस 1 प्लस 2 इज 1 प्लस में जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b वेक्टर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ a माइनस b, नाउ a माइनस बी, सो अगेन यर a, a इज अ 2i प्लस 3j माइनस k माइनस b. व्हाट इज b, i माइनस 4j प्लस 2k. सो फर्स्ट आई विल ओपन योर ब्रैकेट बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन. सो दिस इज 2i 3j माइनस k, साइन विल चेंज हियर, माइनस i प्लस 4j माइनस 2k. Now 2i minus 1i is i, this is 3, this is 4 plus 7j minus 1 minus 2 is minus 3k. So this is a vector minus b vector, equation number 2. Okay, now what we will find here, cross product between these two. So therefore we will say here a plus b cross a minus b. We know how to find cross product here by using determinant I, j, k. ठीक है, there are two vectors, a plus b vector and a minus b vector. तो यहां पे जो से first आएगा a plus b का value आएगा, उसके बाद second में क्या आएगा, a minus b का value आएगा. ठीक है, तो what is a plus b here, a plus b का value हमारे पास क्या है, 3i minus j plus k. तो यहां पे हमारे पास 3 है, minus 1 और 1 है यहां पे. So I will see 3 माइनस 1 1. फिर इसके नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी का वैल्यू. व्हाट इज ए माइनस बी, हियर आई प्लस 7 जे माइनस 3 के. सो 1 7 माइनस 3, 1 7 माइनस 3. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व हियर बाय डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. एज वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर. तो मुझे, हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का, तो वापस मुझे क्या मिलेगा, वो वेक्टर के फॉर्म में ही मिलेगा. मीन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आई जे एंड के. सो वी विल सॉल्व हियर बाय ऑर्डर 3 है. सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट आई विल राइट हियर आई कैप, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 3 माइनस 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस जे, देन 3 3 9, सो दिस इज माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस 1, देन प्लस के थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया तो 21, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. बराबर है, सो दिस इज व्हाट, 3 माइनस 7 इज अ माइनस 4, आई माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 10. ठीक है, और ये माइनस प्लस 10 जे, देन यहाँ पे 21 प्लस 1 इज अ 22 के. सो देयरफॉर ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 10j प्लस 22k. दिस इज द वैल्यू एंड यू कैन सी हियर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स जे प्लस टू के एंड आई प्लस जे. हियर वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर. किसका यूनिट वेक्टर? ऐसे वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? इन दो वेक्टर को. ठीक है. एंड वी नो दैट अगर कोई भी वेक्टर किसी भी दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर कौन सा होता है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है. ठीक है. अगर इनको मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा तो जो मुझे नया वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा? इसी को परपेंडिकुलर होगा. तो ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इनका क्रॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो स्टार्ट विद योर फर्स्ट गिवन वेक्टर. आई विल से फर्स्ट ईयर लेट ए इज इक्वल टू जे प्लस टू के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे. सो फर्स्ट आई विल फाइंड ईयर क्रॉस प्रोडक्ट. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट ईयर आई जे के. ठीक है. अब फर्स्ट ए वेक्टर है, सेकंड कौन है? बी वेक्टर है. तो फर्स्ट उसके बाद बी का पार्ट लिखना है यहाँ पे. तो व्हाट इज ए वेक्टर ईयर? जे प्लस टू के. हियर देर इज अ नो आई पार्ट, मतलब वो जीरो जाएगा. जे के पास कितना है? वन. के पास कितना है? यहाँ पे टू है. अब इसके नीचे बी वाले के लिए आई जे के, देर इज नो के, तो के का वैल्यू जीरो यहाँ पे. दिस इज वन वन और ये जीरो. नाउ सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री. सो फर्स्ट एलिमेंट इज आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. सो जीरो माइनस टू, फिर ये माइनस जे हो जाएगा. दिस इज जीरो माइनस टू, देन प्लस के, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो माइनस वन. इसको सॉल्व किया तो दिस इज माइनस टू आई, ये हो जाएगा हमारा प्लस टू जे, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस के. सो देयरफॉर दिस इज व्हाट अवर ए क्रॉस बी मींस व्हाट? दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर जे प्लस टू के एंड आई प्लस जे. सो विल से हियर देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड. सो वी विल से हियर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, व्हाट इज ए क्रॉस बी? हियर ए क्रॉस बी क्या अपने पास यहां पे? माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइडेड बाय व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसी का मैग्नीट्यूड है. सो दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? माइनस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट फोर प्लस वन. ठीक है. माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन का स्क्वायर इज अ वन. तो फोर प्लस फोर एट, प्लस वन नाइन. नाइन का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों? पे थ्री हो जाएगा. सो वी विल गेट व्हाट हियर फाइनली? इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइडेड बाय थ्री. या तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों? अगर मैं इसका माइनस बाहर लेता हूँ, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस इसके पास आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यही माइनस इसके पास आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो अगेन हमें बाहर साइन क्या मिल जाएगा? माइनस प्लस का ही साइन मिलने वाला है, बट इसका साइन चेंज हो जाएगा. कब होगा? जब इसका हम माइनस बाहर ले लेंगे. अगर माइनस बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस टू आई माइनस टू जे प्लस के डिवाइडेड बाय थ्री. ठीक है, हमने इसका माइनस बाहर लिया, इनका साइन चेंज हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आने के बाद प्लस माइनस 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 प्लस, तो अगेन क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? प्लस माइनस ही मिलने वाला है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस टू के देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास दिया है यहाँ पे. तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? बिटवीन ए एंड बी का एंगल फाइंड आउट करना है. सो स्टार्ट विद वन बाय वन ईयर. सो
वी हैव व्हाट इज हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट रूट थ्री. तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज कर लेता हूँ. तो फ्रॉम हियर वी कैन से ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट देयरफॉर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री इक्वेशन नंबर वन. नाउ विल गो विथ हियर. नाउ ए क्रॉस बी इज अ गिवन. व्हाट इज गिवन हियर 2i प्लस जे प्लस 2k. ठीक है हमारे पास ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो यहां से मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकता हूं. वी नो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड हियर. सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर. ठीक है दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 2 जा 4 प्लस 1 2 2 जा 4. तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएगा. सो देयरफॉर वी विल से हियर मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट 3 यूनिट्स. ठीक है नाउ ये हमें मिल गया यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3. बट अगेन बाय द डेफिनेशन वी नो दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके नाउ व्हाट वी डू हियर. हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे या सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे. ठीक है इट्स डिपेंड ऑन यू. सो आई विल से हियर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1. 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं यहां पे. सो देयरफॉर आई एम गेटिंग हियर व्हाट हियर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1 हियर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इज अ 3 1 इज अ रूट 3. सो दिस इज 3 बाय रूट 3. ये कैंसल हो जाएगा. ठीक है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट 10 थीटा. दिस इज 3 रूट 3. ये 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय रूट 3. यहां से 1 रूट 3 1 रूट 3 कैंसल. क्या बचा आपके पास रूट 3 बचा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 10 थीटा इज इक्वल टू व्हाट रूट 3. बट हमें आपके थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो रूट 3 टेन में कितना होता है बच्चों यहाँ पे 10 60 डिग्री. ठीक है क्या होता है 10 60 डिग्री होता है. सो व्हाट इज थीटा थीटा विल बी 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4 इफ ए वेक्टर इज अ 2i प्लस जे माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज अ i माइनस 2j प्लस k. सो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास a दिया हुआ है बी का वेक्टर दिया हुआ है. हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ 5 है. किसका इस परपेंडिकुलर वाले वेक्टर से. ठीक है बट ये परपेंडिकुलर किसको है यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को. ठीक है वी नो दैट हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर हियर बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर. ठीक है सो फर्स्ट स्टार्ट वी आर गिवन हियर. हमारे पास क्या है यहाँ पे ए वेक्टर. व्हाट इज ए वेक्टर हियर 2i प्लस j माइनस 3k एंड देन बी वेक्टर i माइनस 2j प्लस k. ठीक है हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे. देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज इक्वल टू व्हाट मैग्नीट्यूड कितने का बच्चों 5 का मैग्नीट्यूड है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. किसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से. ठीक है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 करना रहेगा यहाँ पे. मींस व्हाट हमें यहाँ पे क्या है 5 का मल्टीपल फाइंड करना है. किसके मल्टीपल फाइंड करना है यूनिट वेक्टर का. किसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी के लिए. तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अब यहाँ पे हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं फिर उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं. वी विल गेट हियर फाइनल आंसर. सो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के
first vector, second vector. What is first vector here? A. What is A vector here? 2, 1, -3. 2, 1, -3. ठीक है. B is second vector. What is second vector here? 1, -2, 1. So 1, -2, 1. Now solve by determinant of order 3 here. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? I cross multiply किया तो 1, -6, -j. 2, 1 जा 2. -3 will be +3. K, this is -4 and this is a -1. तो यहां पे इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या मिल जाएगा हमें? -5i, this is -5j, this will minus, this is minus. 2 plus 3 is a 5, positive, but यहां पे minus है, so this will minus. And same here, यहां पे क्या जाएगा ये? -5k, -4, -1 is a -5k. So this is the value of A cross B. ठीक है. अब हमें क्या करना है यहां पे? इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पे. सो देयर फोर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज व्हाट? अंडर रूट -5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दिस इज 25 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट? 75. ठीक है. इस 75 को मैं क्या बोल सकता हूं? अंडर रूट 25 × 3, सो विच इज इक्वल टू 5√3. सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? 5√3. ठीक है. अब हमें यहां से ए क्रॉस बी का वैल्यू मिल गया है. अब यहां से हमें उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया है. इन दोनों के वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे? यहां पे पुट कर देंगे. सो विल गेट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी मिल जाएगा. ठीक है. सो नाउ आई विल से हियर, देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 ± a × b अपॉन का मैग्नीट्यूड. सो विच इज इक्वल टू 5 ± व्हाट इज ए क्रॉस बी? A cross B is a -5i, -5 is a -5k. So -5i, -5j, -5k divided by इसका मैग्नीट्यूड. व्हाट इज मैग्नीट्यूड यार? 5√3. सो 5√3. ठीक है. इक्वल ये 5 को ये 5 से मैं कैंसिल कर सकता हूं यहां पे. बराबर है. अब यहां पे हम क्या करेंगे? -5 बाहर ले लेता हूं. ठीक है. यहां से मैं क्या करता हूं? -5 ये 5 कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा? प्लस माइनस -5i -5j -5k. अब इसमें से मैं -5 को अगर बाहर ले लेता हूं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो विल गॉट वेयर पॉजिटिव. -5 बाहर आने का मतलब हो गया माइनस साइन बाहर आ रही है. तो वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा. वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो अगेन क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? प्लस माइनस ही मिल रहा है. आई विल सी हियर प्लस माइनस 5i + j + k divided by √3. So this is the final answer. Question number 5 का first, find u vector dot v vector if u का magnitude is a 2, v vector का magnitude is a 5 and magnitude of u cross v is a 8. ठीक है. हमारे पास ये तीन चीजें दी हुई है. विद द हेल्प ऑफ दिस हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा? हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. ठीक है. जैसा कि फर्स्ट राइट ऑन व्हाट इज गिवन हियर, यू वेक्टर इज अ 2, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अ 5 एंड magnitude of u cross v is equal to 8. This is the given. We know that
रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यू डॉट वी का स्क्वायर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यू डॉट वी का स्क्वायर. ठीक है, अब यहां से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, यू डॉट बी का वैल्यू फाइंड करना है. तो बाकी यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो फ्रॉम हियर आई कैन से यहां पे स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, यू क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का. बट हमारे पास यू क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है. यहां पे आई विल से हियर दिस इज द 8 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज यू का मैग्नीट्यूड, 2 है. तो यहां पे ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इनटू वी का मैग्नीट्यूड इज अ 5. सो दिस इज द 5 स्क्वायर माइनस यू डॉट वी का स्क्वायर. सो दिस इज 64, दिस इज 4 इंटू 25 माइनस यू डॉट वी का स्क्वायर. इसको मैं यहां पे ट्रांसफर कर लेता हूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, u डॉट वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 फोर जा 100. ये यहां पे आएगा तो माइनस होके 64 हो जाएगा. 100 माइनस 64 इज अ 36. सो देयर फोर यू डॉट वी का स्क्वायर इज क्या मिल गया, 36. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट सो वी विल गेट हियर यू डॉट वी इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स. यू डॉट बी इज वॉट, स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. सो प्लस माइनस सिक्स हो जाएगा यहां पे. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी इफ यू का मैग्नीट्यूड इज अ 10, वी का मैग्नीट्यूड इज अ 2 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज अ 12. सो अगेन वी विल सॉल्व दिस सम्स एज अ प्रीवियस वन बाय यूजिंग हियर रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. सो स्टार्ट विद गिवन हियर मैग्नीट्यूड ऑफ यू इज अ 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज अ 2 and u dot v is a 12. So we'll write here, we know that, what we know that here, u cross v ke magnitude ka square is equal to square of u ka magnitude into square of v ka magnitude minus u dot v ka whole square. अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं. u का मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है, सो दिस इज 10 का स्क्वायर. v का मैग्नीट्यूड 2 है, सो दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस u डॉट v इज अ 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 100 इंटू 4 माइनस 144. सो दिस इज 400 माइनस 144 माइनस क्या यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज वॉट 2. ठीक है, यहां पे 3 बचेगा, 3 माइनस 1 इज 2. ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी का हो गया 256. बट हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी. वी नो दैट मैग्नीट्यूड इज वॉट, कैन नॉट बी निगेटिव. इसका मैं यहां पे क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, अपने को प्लस माइनस 16 मिलेगा. बट वी नो दैट मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी इज अ 16 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 2a vector minus b vector cross 2a vector plus b vector is equal to 4 times a cross b vector. क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2a vector minus b vector cross 2a vector plus b vector is equal to 4 times a cross b vector. So start with LHS here. What is LHS here? 2a vector minus b vector cross 2a vector plus b vector.
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हाउ टू ओपन हियर, फर्स्ट इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये क्या है टू, ये क्या है टू, टू टू जा फोर, और ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट है तो दिस इज वॉट ए क्रॉस ए हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर एंड व्हाट इज टू, टू इज अ स्केलर नंबर, तो स्केलर नंबर इज वॉट, मल्टीप्लीकेशन इज अगेन अ स्केलर नंबर। नाउ इसको अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टू ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब इसको मैं इसके ओपन करूंगा तो ये प्लस ये माइनस इज वॉट माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज टू बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर। नाउ दिस क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस वन, प्लस माइनस इज अ माइनस, फिर ये बी है, ये क्या हो जाएगा बी क्रॉस ये बी हो जाएगा, ठीक है। एंड वी नो दैट सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज व्हाट जीरो, दो सेम वेक्टर होंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ऑलवेज जीरो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो होने का मतलब हो गया यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये दिस इज व्हाट फोर इंटू जीरो प्लस टू इंटू ए क्रॉस बी माइनस टू इंटू बी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा माइनस जीरो हो जाएगा। सो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ये हट गए, यहां बचा गया अपने पास टू ए क्रॉस बी माइनस टू बी क्रॉस ए, ठीक है। यहां पे इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं बिकॉज दिस आर व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एंड वी नो दैट इन अ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि मुझे मालूम है कि ए क्रॉस बी को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए बोल सकता हूं मैं, ठीक है। इन अ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज वॉट माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यार ये मुझे क्या मिल जाएगा, टू ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या है देखिए बी क्रॉस ए दिया, वॉट इज बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए को हम क्या बोल सकते हैं प्लस ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ प्लस टू टाइम्स वॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। ये टू टाइम्स, ये टू टाइम्स, दिस इज वॉट, अगर दोनों को एड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये फोर टाइम्स ए क्रॉस बी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वॉट अवर आर एच एस, सो देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस टू के, देन वेरीफाई दैट, यू हैव टू वेरीफाई हियर वॉट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, हमें यहाँ पे चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है बाई विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी फैक्टर, ठीक है। सो दैट ने बोला है, प्रूव दैट ने बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, वेरीफाई करना है ये इक्वल है या नहीं है। सो वन बाई वन ईयर स्टार्ट विद गिवन ईयर, हमारे पास ए वैक्टर दिया हुआ है, वट इज ए ईयर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, देन बी वैक्टर 4i माइनस 3j प्लस के, एंड c वेक्टर i माइनस j प्लस 2k, दिस आर दी गिवन। नाउ वन बाय वन क्या करते हैं, पहले हम एल एच एस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एल एच एस में क्या बोलता है, a क्रॉस किसके साथ में क्रॉस है, b प्लस सी के साथ में, तो पहले यहां पे मैं b प्लस सी फाइंड आउट कर लेता हूं। सो देयर फोर बी प्लस सी, व्हाट इज b प्लस सी, अब b और c को दोनों को ऐड करना है यहां पे, अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं दिस इज व्हाट 4i माइनस 3j प्लस के प्लस i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 1 इज अ 5i माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4j, दिस इज 1 दिस इज 2 प्लस 3k, तो ये क्या हो गया हमारा b प्लस सी हो जाएगा। अब इसी b प्लस सी को क्या करना है, मुझे क्रॉस करना है, किस साथ में, a के साथ में क्रॉस करना है। सो देयर फोर आई विल से हियर a वेक्टर क्रॉस विथ b प्लस सी वेक्टर, जैसा कि मुझे मालूम है जब मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस फाइंड करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट का साइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो i j और यहाँ पे k, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करने वाले, a का वैल्यू लिखने वाले, व्हाट इज a का वैल्यू हियर, 1 माइनस टू थ्री, 1 माइनस टू थ्री। सेकेंड में b प्लस सी, व्हाट इज b प्लस सी, 5 माइनस फोर थ्री। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय डिटरमिनेंट्स हियर। सो i इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाएगा,
माइनस सिक्स, दिस इज प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस फोर इंटू थ्री से माइनस ट्वेल्व, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस जे आएगा यहाँ पे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर थ्री माइनस फिफ्टीन प्लस के माइनस फोर, और ये प्लस टेन हो जाएगा, बराबर। अब माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व कितना होता है बच्चों, सिक्स आ जाएगा, सो दिस इज सिक्स आर, थ्री माइनस फिफ्टीन इज अ माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व और ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज ट्वेल्व जे, ये माइनस फोर प्लस टेन इज अ सिक्स, यहाँ पे क्या जाएगा ये सिक्स के हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर हमें क्या मिल गया, ए क्रॉस बी प्लस सी का वैल्यू क्या मिल गया हमें, हमें सिक्स आई प्लस ट्वेल्व जे प्लस सिक्स के मिल गया, ठीक है। अब आरएचएस के लिए जाएंगे, यहाँ पे आरएचएस में क्या है, मुझे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट विद हियर ए क्रॉस बी, नाउ ए क्रॉस बी आई जे के, व्हाट इज ए हियर, वन माइनस टू थ्री, वन माइनस टू थ्री, एंड बी इज वॉट, फोर माइनस थ्री वन, फोर माइनस थ्री वन, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं, ये क्या मिल जाएगा हमें यहां से, दिस इज माइनस टू, दिस विल प्लस नाइन, देन माइनस जे, यहां से ये वन माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, प्लस के, वी हैव टू सॉल्व बाय डिटरमिनेंट, यहां से के की वैल्यू के लिए माइनस थ्री, दिस विल प्लस एट। सो फाइनली हमें यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, दिस विल सेवन आई, ये हो जाएगा प्लस इलेवन जे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस फाइव के हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब क्या करेंगे, यहां से हम ए क्रॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ ए क्रॉस सी, यार ए क्रॉस सी के लिए यहां पे नाउ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स वॉट, यूजिंग योर डिटर्मिनेंट। तो ए क्रॉस सी, अब ए की वैल्यू वन माइनस टू थ्री, ठीक है, उसके बाद सी, ओडी सी यार वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू। नाउ सिंप्लीफाई, दिस इज आई, दिस विल माइनस फोर प्लस थ्री, फिर यहाँ पे जे है, सो दिस इज टू माइनस थ्री, फिर के, व्हाट इज के के लिए माइनस वन प्लस टू, यहाँ पे सॉल्व किया तो दिस इज माइनस आई, ये कितना आएगा बच्चों, दिस विल प्लस जे, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये प्लस के मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट अवर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड सी। सो देयरफॉर नाउ व्हाट, हम अभी ये फाइंड करना है, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे, सो विल से हियर देयरफॉर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, व्हाट इज ए क्रॉस बी, हमारे पास ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, सेवन आई इलेवन जे प्लस फाइव के, प्लस ए क्रॉस सी, व्हाट इज ए क्रॉस सी, यार माइनस आई प्लस वन जे प्लस के, ठीक है। अब इसको प्लस करता हूं मैं यहाँ पे, ये सेवन है और ये माइनस वन, कितना हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा, ये इलेवन है और ये कितना है वन है, दिस इज व्हाट ट्वेल्व जे, ये फाइव है और ये वन है, ये कितना जाएगा बच्चों सिक्स के हो जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको मैं क्या बोल दूंगा, टू बोल दूंगा। देयरफॉर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू व्हाट, सिक्स आई प्लस ट्वेल्व जे प्लस सिक्स के, इक्वेशन नंबर टू। नाउ सी व्हाट इज वन सिक्स ट्वेल्व सिक्स, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है सिक्स ट्वेल्व सिक्स मिल रहा है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, हेंस